अगर आप भी घर बैठे अपने मोबाइल से एक बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है। आपने कोटक 811 महिंद्रा बैंक के बारे में तो सुना होगा, सो आज की वीडियो में मैं आपको कोटक 811 महिंद्रा बैंक में एक बैंक अकाउंट ओपन करके दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप काफ़ी आसानी से उस स्टेप को फॉलो करके आप भी एक बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओके, इसमें आपको एक डेबिट कार्ड भी दिया जाता है और उसमें आपको नेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी दी जाती है और आप कोटक 811 एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकते हो काफ़ी आसानी से। ओके, सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको प्ले स्टोर से कोटक 811 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है अकाउंट ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पहले से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है, सो आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू टू कोटक गेट 811 एक्टिवेटेड इन ए इंस्टेंट और नीचे मिलेगा आपको ऑलरेडी हैव ए कोटक अकाउंट। तो अगर आपके पास पहले से कोटक अकाउंट है तो क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो, और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, न्यू अकाउंट आप ओपन करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गेट योर कोटक 811 सेविंग अकाउंट, और यहाँ पर आप कुछ मिनट में इसे ओपन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, नीचे आपको ईमेल अपना डाल देना है और यहाँ पे आई एम नॉट ए पॉलिटिकली एक्सपोज्ड ये आपको यहाँ पे टिक कर देना है बॉक्स में, और यहाँ पे आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ नो अदर कंट्री। ओके, इसको भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप इंडिया में टैक्स पे करते हैं और किसी अदर कंट्री में नहीं करते हैं, ये दोनों को आपको टिक कर देना है और ओपन नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब आपने वहाँ पे जो मोबाइल नंबर डाला उस पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, वो आपको यहाँ पे ओटीपी फिल करना है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ऊपर आप देख पा रहे हैं गेट स्टार्ट और यहाँ पे कह रहा है यूज़ योर आधार डिटेल टू ओपन योर कोटक 811 अकाउंट। ओके, सो आपको यहाँ पे एस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके सामने आएगा इस तरह का इंटरफेस, यहाँ पे आपको अपना पिन नंबर डाल देना है और यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए हुए हैं, अगर आप रीड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लीज़ इंटर द ओटीपी रिसीव ऑन योर आधार रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, वो आपको यहाँ पे फिल करना है और नेक्स्ट कर देना है। अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आपको क्या करना है, नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डू नॉट हैव योर मोबाइल नंबर रजिस्टर ऑन योर आधार, यू कैन स्टिल गेट कोटक 811। ओके, तो आपको यहाँ पे गेट 811 लाइट करके आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर नजर आएगा, नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड पे वो आपको सेम फिल कर देना है और यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप मेल है या फिर फीमेल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल कुछ देनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेयर कैन वी रीच यू। ओके, तो यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर या फिर अपार्टमेंट नंबर दे देना है या फिर बिल्डिंग नेम। ओके, और यहाँ पे लोकेलिटी स्ट्रीट नेम आपको यहाँ पे डाल देना है और एरिया लैंडमार्क यहाँ पे आपको डाल देना है और अपना पिन कोड डाल देना है। ओके, उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस फिर से आएगा और यहाँ पे आपको अपना जेंडर मिलेगा और डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आप मैरिज हैं या फिर सिंगल हैं, तो यहाँ पे मैं सिंगल हूँ तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, यानी कि आप काम क्या करते हैं। ओके, और यहाँ पे एनुअल इनकम यानी कि आपका वन ईयर का इनकम कितना है, और यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है और यहाँ पे मदर का नेम एंटर करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो अब यहाँ पे आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डू यू वॉन्ट टू एड ए नॉमिनी फॉर योर अकाउंट नाउ, तो यहाँ पे एस और आई डू नॉट इट लेटर, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, तो अगर आप नॉमिनी करवाना चाहते हैं तो एस पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर अगर बाद में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आई डू नॉट इट लेटर पे क्लिक करके आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे हम बाद में करना चाहते हैं तो यहाँ पे अब आपको चेकबॉक्स पे टिक कर देना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं योर प्रोफाइल, आपने यहाँ पे जो भी डिटेल यहाँ पे फिल की है सब यहाँ पे आपके सामने आ गया है, यहाँ पे आपको पेंशन इनकम एंड यहाँ पे मैरिट स्टेटस और यहाँ पे फादर नेम मदर नेम और यहाँ पे नॉमिनी डिटेल। ओके, तो यहाँ पे नॉमिनी डिटेल हमने कुछ नहीं फिल किया, हम बाद में कर सकते हैं इसको। ओके, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने आ गया इस तरह का इंटरफेस, आप देख पा रहे हैं डिक्लेरेशन, और यहाँ पे आप इसे रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेयर कैन यू मीट, यानी कि अपना आप अकाउंट का KYC करवाने के लिए आप कहाँ मिलना चाहते हैं, अपने घर पे या फिर बैंक में किसी महिंद्रा ब्रांच में। ओके, तो यहाँ पे एडवांस्ड और फुल KYC वेरिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट लोकेशन पर क्लिक करना है
और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एट एनी कोटक महिंद्रा ब्रांच और यहाँ पे माई कम्युनिकेशन एड्रेस। तो यहाँ पे आपको एनी महिंद्रा ब्रांच पर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेट योर मोबाइल बैंकिंग पिन एम पिन, यानी कि यहाँ पे आपको अपना क्रिएट 6-डिजिट पिन और यहाँ पे कंफर्म करना है, यानी कि अपना यहाँ पे एम पिन आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उस पिन को कंफर्म करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके, अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस फिर से ओपन होगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आई वुड यू लाइक टू यूज़ माई प्रीपेड कार्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑन डोमेस्टिक वेबसाइट मोबाइल ऐप। ओके, आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका कोटक 118 में अकाउंट खुल गया काफ़ी आसानी से, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, योर CRN नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ऊपर आपको योर अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका बैलेंस कितना वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 0 बैलेंस अकाउंट ओपन किया है कोटक 811 में, तो यहाँ पे फिलहाल अभी हमारे अकाउंट में 1 भी रुपये नहीं है। अगर आप पैसे डालना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड मनी पर क्लिक करके आप पैसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो योर वर्चुअल प्रीपेड कार्ड ATM कार्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको कार्ड नंबर एक्सपायरी डेट और यहाँ पे CVV नंबर मिल जाएगा। ओके, तो अगर आप किसी ऐप पर UPI यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए फ़ोनपे या फिर गूगल पे कोई भी होगा, तो यहाँ पे आप अपना कार्ड का यूज़ करके उसमें UPI ओपन कर सकते हो काफ़ी आसानी से। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ओपन करेंगे आप कोटक 811 बैंक में अपना अकाउंट। तो गाइस वहाँ पे हमारा अकाउंट काफ़ी आसानी से ओपन हो गया और यहाँ पे आपको बैक आना है और यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेंड सिक्योर SMS नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना और यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर वहाँ पे डाला था उस पर एक वेरिफिकेशन आएगा, वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो हम वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया और कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको अपना CRN नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको अपना 6-डिजिट MPIN डाल देना जो आपने बनाया, आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके, सो यहाँ पे आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस आएगा, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको अपना CRN नंबर ऊपर मिल जाएगा आपको और यहाँ पे आपको वैलिड कस्टमर और आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर आप प्रोफाइल लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, चूज़ फ्रॉम गैलरी टेक फोटो और यहाँ पे क्लियर प्रोफाइल पिक्चर, ये नहीं ऑप्शन ये ऑन नहीं है, तो आप यहाँ पे फोटो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो या फिर स्किप कर देंगे इसे, यानी कि बाद में लगा सकते हैं हम, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आप अपना फिंगरप्रिंट यूज़ करना चाहते हो तो एस पर क्लिक करेंगे, अगर आप फिंगरप्रिंट यूज़ नहीं करना चाहते, आप पिन यूज़ करना चाहते हैं तो नो के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे गाइज आपके सामने आपका अकाउंट यहाँ पे प्रॉपरली ओपन हो गया, पहले तो वहाँ पे आपका बैलेंस शो कर रहा था लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आप कोई भी भीम UPI ऐप यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आता है, इस तरह से आपको इसमें नज़र आ रहा है। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपने ATM कार्ड से भीम UPI चालू कर सकते हो किसी भी ऐप पे, चाहे वो फ़ोन पे या फिर गूगल पे कोई भी हुआ। ओके, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट प्रॉपर्ली ओपन हो गया और यहाँ पे आप इस तरह से अपने अकाउंट का यूज़ करोगे। ओके।